हाय गाइस, मेरा नाम है दिनेश और आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि कैसे आप मेल मर्ज के थ्रू एक पेज में दो लेटर क्रिएट कर सकते हैं। तो मेल मर्ज के यूज़ करने के लिए हमें एक डेटाबेस बनाने की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे मैंने ये डेटाबेस तैयार किया है एमएस एक्सेल की फाइल में। और आपका जो डेटाबेस होता है आपके डॉक्यूमेंट या लेटर पर डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का डॉक्यूमेंट या लेटर है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फील्ड हमको क्रिएट करना पड़ती है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक बॉर्निंग लेटर का सैंपल लिया हुआ है और हम इन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बॉर्निंग लेटर प्रिपेयर करने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने फील्ड ली हुई है। जैसा कि हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए जो उसका बॉर्निंग लेटर का जो रीज़न होगा यहाँ पे, जो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक रीज़न का कॉलम लिया हुआ है जो कि हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग रीज़न होगा। डेट भी हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए जो जो उसमें वार्निंग लेटर में जो कंडीशंस के हिसाब से डेट दी गई है वो भी हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग होंगी और बाकी की डिटेल्स भी है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स कॉलम का यूज किया है। जैसा कि आपको पता होता है कि जब भी हम कोई लेटर वगैरह तैयार करते हैं तो नाम के पहले हम मिस्टर एम एस उसके जेंडर के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं नाम के पहले, तो यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स कॉलम का यूज किया है। अगर आपके पास जो डेटाबेस में जो एम्प्लॉयज़ के नेम है उनके पहले ऑलरेडी प्रीफिक्स यूज है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और प्रीफिक्स कॉलम में वैल्यू को रिटर्न करने के लिए मैंने एक फंक्शन का यूज किया है। कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये फंक्शन को इंसर्ट करने के बाद आपको रेफरेंस सेल सेलेक्ट करना है। इफ दिस सेल इक्वल टू मेल, देन जो वैल्यू रिटर्न होना चाहिए वो है मिस्टर, एल्स मिस ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो क्योंकि हमारी ये टेबल है तो ऑटोमेटिकली सभी सेल्स में ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा और सभी में जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो हमारा डेटाबेस अभी रेडी हो चुका है ना, और इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं। जो अगली स्टेप है हमें डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमें एक पेज में दो लेटर क्रिएट करना है, तो हमारा जो ये पेपर का साइज है वो A4 साइज है और A4 साइज के पेपर में हमें दो बार मेल मर्ज का अप्लाई करना है। तो दो बार मेल मर्ज का अप्लाई करने के लिए हमें दो लेवल क्रिएट करना पड़ेंगे, मतलब आप जितने लेवल क्रिएट करेंगे उस पेज के अंदर उतनी बार ही मेल मर्ज अप्लाई होगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ दो बार मेल मर्ज को अप्लाई करना है, दो लेटर क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे दो लेवल क्रिएट करेंगे। तो हमें जो लेवल चाहिए वो दो लेवल चाहिए और क्योंकि ये A4 साइज है तो जो A4 साइज का आधा होता है अगर हम इसको वर्टिकली डिवाइड करें तो हमें दो A5 साइज के पेपर मिलेंगे। तो हमें दो A5 साइज के यहाँ पे लेवल क्रिएट करना पड़ेंगे। तो लेवल को क्रिएट करने के लिए हमें मिलिंग्स ऑप्शन में जाना है। मिलिंग्स में जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये लेवल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा ये माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे आपको A5 साइज का एक लेवल देखना है। तो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे, जो सेकंड वाला आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि इसमें पेज की साइज है वो फुल A4 साइज पेज नहीं है, इसमें जो पेज की साइज है वो हाफ है। तो आपको जो सेकंड वाला है इसमें फुल A4 साइज का जो पेपर रहेगा और लेवल को जो साइज रहेगा, लेवल की जो हाइट रहेगी 14.8 सेंटीमीटर और लेवल की जो विड्थ रहेगी 21 सेंटीमीटर, मतलब एक A4 साइज के पेपर में आपके दो लेवल क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है डिटेल्स का, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं लेवल का, मतलब तो अभी जो लेवल का टॉप मार्जिन है वो 0 है, हम इसको 1 सेंटीमीटर कर देते हैं और जो साइड मार्जिन है वो है वो भी 0 है, उसको भी 1 सेंटीमीटर कर देते हैं, है ना। तो अभी टॉप मार्जिन 1 सेंटीमीटर हो गया एक लेवल का, तो यहाँ से जो टोटल हमारा जो लेवल का हाइट थी वो है 14.8 सेंटीमीटर, अभी जो हाइट हो गई है 15.8 सेंटीमीटर हो गई जो कि पेपर के साइज से ज़्यादा है। तो हम इसको माइनस कर देंगे 13.8 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर लेफ्ट में और 1 सेंटीमीटर राइट में, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। तो आपको ये जो मार्जिन जितना भी आप लेते हैं टोटल पेपर की साइज में से आपको माइनस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। मार्जिन सेट करने के बाद ओके कर देते हैं, और ओके जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके दो लेवल एक पेज में क्रिएट हो चुके हैं। आप यहाँ से भी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली स्टेप है हमें जो हमारा सैंपल लेटर है उसको लेवल 1 में पेस्ट करना है।
तो इसको जो सैंपल को कॉपी कर लेते हैं और लेवल वन में पेस्ट कर देते हैं। आप चाहें तो आपके जो लेवल्स हैं उसमें आप बॉर्डर वगैरह भी सेट कर सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बॉर्डर नहीं दी है, यहाँ पे मैंने प्लेन ही रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो डेटाबेस है उसको आपको इस फाइल से लिंक करना है। तो यहाँ से हमारा जो डेटाबेस है हम उसको लिंक कर लेते हैं। तो आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने डेटाबेस तैयार किया है। देन हमें फील्ड इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था नाम के पहले हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे, तो प्रीफिक्स फील्ड पहले इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेम, देन ईमेल आईडी, देन डेजिग्नेशन और फिर डिपार्टमेंट, आफ्टर दैट एड्रेस। तो यहाँ पे जो मेन फील्ड थी वो इंसर्ट हो चुकी है। अभी हमारा जो मैटर है उसके अंदर भी कुछ फील्ड्स बाकी हैं। तो यहाँ पे जो रीजन की फील्ड है, जैसा कि हर एक एम्प्लॉइज के लिए अलग अलग रीजन है, तो ये वाली फील्ड भी हम इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये डेट भी है, इसको भी इंसर्ट कर देते हैं और डेट टू। तो जो मैटर के अंदर जो फील्ड थी वो भी इंसर्ट हो चुकी है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको जो भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन करना है वो लेवल वन में ही करना है, और उसके बाद जब जैसे ही अपडेट करेंगे तो सभी लेवल्स में वो डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ, और आप इसके बाद जैसे ही आप अपडेट लेवल पे क्लिक करेंगे तो ये जो डिटेल्स है सभी लेवल्स में अपडेट हो जाएगी। और उसके बाद जो अगली और फाइनल स्टेप है वो हमें मेल मर्ज को अप्लाई करना है। तो मेल मर्ज को अप्लाई करने के लिए हमें जाना है फिनिश एंड मर्ज के ऑप्शन पे और इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शंस हो रहे हैं, ऑल, करेंट रिकॉर्ड और फ्रॉम। तो मैं अभी ऑल पे क्लिक करके ओके करता हूँ। और आपने देखा गाइस कि सभी एम्प्लॉइज के लिए जो हमारे लेटर हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, और जो हमने फील्ड्स यहाँ पे रखी थी, जो मेन फील्ड थी वो भी प्रॉपरली यहाँ पे मर्ज हुई है। और मैटर के अंदर भी हमने जो अलग अलग एम्प्लॉइज के लिए जो अलग अलग फील्ड थी, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से जो यू नो रीजन दिए थे, वो भी यहाँ पे प्रॉपरली मर्ज हुई है। और जो हमारे टोटल पेजेस यूज हुए हैं वो 21 पेजेस यूज हुए हैं, और जो टोटल लेटर प्रिपेयर हुए हैं वो 42 लेटर्स प्रिपेयर हुए हैं। तो इस तरीके से आप एक पेज में दो लेटर मेरी मर्ज के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर आपके काम में आएगी, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर और लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।